स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और 21 दिन के इस लॉकडाउन के वक्त का बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मैं पहले भी ये बात दोहरा चुका हूं कि कोरोना से डरो ना। जब अमन सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो घर पे बैठ के वीडियो लेक्चर्स को देखकर पढ़ो ना। साल चल रहा है 2020 का, वक्त चल रहा है कोरोना का, महीना चल रहा है अप्रैल का और टॉपिक चल रहा है फिजिक्स का। बिल्कुल सही आपने सुना, फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उसके ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लास 10th के सभी बच्चों को 4 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। बिल्कुल सही आपने सुना, इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी के 4 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। अच्छी खासी एक लंबी खासी सीरीज बन रही है। टॉपिक वाइज टॉपिक समझा रहा हूं, पहले टॉपिक समझा रहा हूं, थ्योरी पक्की कर रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करा रहा हूं। इससे ज्यादा आपके लिए क्या करूं मैं आसान। तो आप लोगों को ऑलरेडी फायदा मिल रहा है डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, इससे पहले क्योंकि ऑलरेडी क्लास 10th की फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी के 4 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, तो उन 4 वीडियो लेक्चर्स में मैं क्या क्या करा चुका हूं एक बार दोहरा लेता हूं। सबसे पहले चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी कराया था। दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने ओम्स लॉ का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया था। तीसरे वीडियो लेक्चर में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई थी। और चौथे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कराया था। दैट इज द टॉपिक इन विच वी कवर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सवाल आता है फिर आज क्या करने वाले हैं? वेरी सिंपल भाई, जब मैंने आपको चौथे वीडियो लेक्चर में रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल के कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो आज का वीडियो लेक्चर स्पेसिफिकली बना है रेजिस्टर इन सीरीज और रेजिस्टर इन कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेक्चर। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा आज का ये बहुत प्यारा लेक्चर, जिसमें मैं आपको टिपिकली, स्पेसिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली पूर्ण रूप से ज्ञान देने जा रहा हूं, यानी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने का है। ये सबसे अच्छा वीडियो लेक्चर है, इसलिए अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठना। मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूंगा, आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना। फिर भी नहीं समझ आए तो आप मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करना। जो भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको भली भांति समझ आएंगी और आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा, बिल्कुल सही, अगर आप में से कोई बच्चा यह वीडियो लेक्चर आज पहली बार देख रहा है, तो भैया ये वीडियो लेक्चर आपके लिए नहीं बना है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे, यानी अगर आप में से कोई बच्चा इलेक्ट्रिसिटी का ये पहली बार लेक्चर मेरे द्वारा देख रहा है और इससे पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो भैया पहले बाकी के 4 लेक्चर देखो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है 4 वीडियो लेक्चर्स का, पहले उन्हें देख लो, उसके बाद आप इस 5वें लेक्चर पे आना। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग जो आज का टॉपिक उठा रहे हैं, आज के टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पहले हम ये जान लेते हैं, लेट अस रिवाइज जो अब तक पढ़ा है, लेट अस रिवाइज जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले के लेक्चर में 2 चीजें पढ़ी थी, एक जिसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक जिसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये मत कहना कि आप किसी को बच्चा ये नहीं जानता कि रजिस्टर क्या होता है। अच्छा खासा हर एक 10th क्लास का बच्चा भली बाती जानता है दैट रजिस्टर इज नथिंग बट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल और अ कंडक्टर और अ वायर बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू। यानी रजिस्टर एक डिवाइस कह लीजिए या एक महज छोटा सा तार का टुकड़ा कह लीजिए या कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट को रोकने की क्षमता होती है, उसी को रजिस्टर कहा जाता है और उसकी उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। हम कभी कभी सर्किट में अपनी इच्छा अनुसार रेजिस्टेंस बढ़ाना भी चाहते हैं और रेजिस्टेंस घटाना भी चाहते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए और रेजिस्टेंस घटाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करें या फिर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें। जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज का कनेक्शन जो होता है वो एंड टू एंड कनेक्शन होता है। सीरीज का कनेक्शन जो होगा वो एंड टू एंड होगा। अगर ये पहला रेजिस्टर R1 है,
ये दूसरा रजिस्टर R2 है, ये तीसरा रजिस्टर R3 है, तो जब ये कनेक्ट होगा किसी बैटरी या किसी सेल से तो यहां से निकलने वाला करंट, यहां से निकलने वाला करंट अगर I है तो इसको भी मिलेगा I, इसको भी मिलेगा I, इसको भी मिलेगा I। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चीज मैंने पहले भी क्लियर करी है कि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो इंडिविजुअल हर एक रजिस्टर का वैरी करता है। तो इसका जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, इसका जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा, और इसका जो वोल्टेज होगा वो V3 होगा। इसलिए नेट वोल्टेज इज गोइंग टू बी V1 प्लस V2 प्लस V3। नेट वोल्टेज इज गोइंग टू बी Vnet इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एंड नेट रेजिस्टेंस, जो नेट रेजिस्टेंस होगा, यानी नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज की अगर मैं बात करूं, नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करूं, तो दैट इज गोइंग टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अब तक मैं आपको सिखा चुका हूं, यानी सीरीज के अंदर जब भी रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में ये पहला रेजिस्टर है हमारे पास, ये हमारा दूसरा रेजिस्टर है हमारे पास, ये हमारा तीसरा रेजिस्टर है हमारे पास। जब भी पैरेलल में लगेंगे तो हमेशा याद रखना, पैरेलल को पहचानने और सीरीज को पहचानने की ट्रिक दे रहा हूं, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत सिंपल ट्रिक है। सीरीज में कनेक्शन एंड टू एंड होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। क्या ये एक के बाद एक है? नहीं। पैरेलल में पहचानना बहुत सिंपल है, पैरेलल में रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, नॉट अगल बगल। इसे कहते हैं अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल। इसे कहते हैं आगे पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। या दूसरा तरीका, सारे रजिस्टर के राइट वाले हाथ एक साथ जुड़े हैं और सारे रजिस्टर के लेफ्ट वाले हाथ एक साथ जुड़े हैं। जब कभी भी दो रजिस्टर के राइट वाला हाथ और लेफ्ट वाला हाथ एक साथ जुड़ा होगा, जब कभी भी दो रजिस्टर का राइट वाला हाथ और लेफ्ट वाला हाथ एक साथ जुड़ा होगा तो समझ जाओ पैरेलल में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी उनका सिर्फ एक ही हाथ जुड़ा है, फॉर एग्जांपल इसका लेफ्ट वाला हाथ और इसका राइट वाला हाथ आपस जुड़े, लेकिन इसका राइट वाला हाथ और इसका लेफ्ट वाला हाथ आपस में नहीं जुड़े, तो एंड टू एंड कनेक्शन है, दैट इज व्हाई ये सीरीज है। आगे पीछे ऊपर नीचे कनेक्शन है, दैट इज व्हाई ये पैरेलल है। कनेक्ट किया इसको मैंने वापस से किसी सेल से या किसी बैटरी से, क्योंकि हमारे पास एक ही टर्मिनल है, क्योंकि हमारे पास एक ही टर्मिनल है, एक ए टर्मिनल, एक बी टर्मिनल। यहां पे देखो हमारे पास कितने सारे टर्मिनल थे, ये हमारे पास पहला, ये हमारे पास पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा। तो अगर ये ए बी टर्मिनल है तो ये सी डी टर्मिनल है और ये ई एफ टर्मिनल है। क्योंकि तीन टर्मिनल थे इसलिए हर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज 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 वैरी करती है, क्योंकि हर टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस 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 वैरी कर रहा था, इसलिए हर टर्मिनल के क्रॉस होने वाला वर्क डन वैरी करता, क्योंकि हर टर्मिनल के क्रॉस होने वाला वर्क डन वैरी कर रहा है, इसलिए वोल्टेज, इसलिए वोल्टेज, इसलिए वोल्टेज वैरी कर रही है। यहां पे तो टर्मिनल ही दो है तो इसके क्रॉस एक ही वोल्टेज काम करेगी, यानी कॉमन वोल्टेज काम करेगी। तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर्स के क्रॉस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज सेम रहती है, सभी रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज सेम रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। सभी रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज सेम रहती है, सभी रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज सेम रहती है। एंड टोटल करंट डिवाइड होता है, टोटल करंट डिवाइड होता है, टोटल करंट डिवाइड होता है। इस बात का क्या मतलब है कि टोटल करंट डिवाइड होता है? आइए ये बात भी समझाता हूं। मान लो यहां से करंट निकला आई, तो ऊपर भी गया आई, तो इसका एक हिस्सा यहां जाएगा जिसे आई वन कहा जाएगा, इसका एक हिस्सा यहां जाएगा जिसे आई टू कहा जाएगा, इसका एक हिस्सा यहां जाएगा जिसे आई थ्री कहा जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यानी टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन इज ऑलवेज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का एल्जेब्रिक सम होता है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम होता है। क्योंकि यहां पे डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम होता है इसलिए वैल्यू बढ़ कर आएगी, यानी अगर ये दो है, ये दो है, ये तीन है, तो दो प्लस दो चार, चार और तीन सात। रिपीट कर रहा हूं सुनो, ये अगर दो है, ये अगर दो है, ये अगर तीन है, तो दो और दो चार और तीन सात, टोटल आंसर सात ओम आएगा। लेकिन अगर ये दो है, ये दो है, ये तीन है, तो टू प्लस तीन नहीं होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/RP, जिसका आंसर और भी छोटा आएगा। यही वजह है कि जब भी हमें फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है, जब भी हमें फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है, जब भी हमें फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है,
तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जब हमें फाइनल रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल किया जाता। क्या डिफरेंस है पैरेलल और सीरीज में, आओ बताता हूं। एक डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी रजिस्टर खराब हुआ तो बाकियों को करंट नहीं मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये खराब है, फॉर एग्जांपल मान लो ये खराब हो गया, टूट गया, तो यहां वाला करंट आगे नहीं जाएगा। जब यहां वाला करंट आगे नहीं जाएगा तो ये किसने कहा कि ये भी नहीं जाएगा, इस वाले करंट को तो रास्ता मिल रहा है ना। सिंपल सी बात है, जब आपके घर में टीवी नहीं ऑन होता तो उसका मतलब ये नहीं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलेंगे। बात तो सही है, टीवी का वॉशिंग मशीन से क्या लेना देना, बिल्कुल सही, क्योंकि टीवी को जिस तार से करंट मिल रहा है उस तार से वॉशिंग मशीन को करंट नहीं मिल रहा। अगर आपके घर में माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गीजर में पानी गर्म नहीं होगा, क्योंकि जिस तार से माइक्रोवेव को करंट मिल रहा है उस तार से गीजर को करंट नहीं मिल रहा। हमारे घरों में डोमेस्टिक हाउस होल्ड सप्लाई में हर एक डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस डिफर करता है, हर एक डिवाइस की करंट की डिमांड डिफर करती है, क्योंकि हर एक डिवाइस को अलग 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 करंट चाहिए होता है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से भेजे जाने वाली तार में मौजूद करंट की वैल्यू टोटल पूरे घर में अलग 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 डिवाइसेस के अनुसार बट जाती है। यही वजह है कि सरकार के द्वारा भेजी गई तार में मौजूद करंट की वैल्यू पूरे घर में अलग 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 डिवाइसेस के लिए बट जाती है। जिसको करंट चाहिए ज्यादा उसका पूरा होता इरादा, जिसको चाहिए करंट है कम उसको मिलता करंट भी कम। यानी जिसका करंट की वैल्यू की डिमांड ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसके करंट की वैल्यू की डिमांड कम है उसके रेजिस्टेंस में दम है, उसके रेजिस्टेंस में दम है। बोलो, बातें समझ आ रही है? बातें समझ आ रही है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सवाल आता है कि सर पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, आपने बता दिया, क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स में क्या आने वाला है। आपके सामने जो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ये पूरा का पूरा आपके सामने आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, एग्जैक्टली यहां पे चल क्या रहा है आपको पता चलना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए, और हम जो करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। यानी हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, और इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आपने ध्यान देना है। आइए अब बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। अपनी कॉपी पेन आप खोल के बैठिए, आपके लिए मैं जगह बना लेता हूं, और हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल। अगर आपने अपनी कॉपी में ये सब लिख लिया है तो आप जरूर अब कर पाएंगे। याद करिए, मैं इससे पहले भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा चुका हूं, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई है, और आज फिर से आपको कुछ नए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। मेरे सामने, मेरे पास, मेरे साथ न्यूमेरिकल्स की किताब है, और मैं इसी तरह के क्वेश्चन उठाऊंगा जो कि सीरीज और पैरेलल से ताल्लुकात रखने वाले क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल सही। पहले काम करता हूं, सीधा डायग्रामेटिक क्वेश्चन उठाता हूं, सीधा डायग्रामेटिक क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चंस की बात बाद में करता हूं, आपके लिए सीधा क्वेश्चन लिखता हूं। याद रखिए, क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। आइए, सबसे पहला सर्किट डायग्राम ये मैंने लिया, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, दूसरा मैंने यहां बिठाया, तीसरा मैंने यहां बिठाया, तार को यहां घुमा आया, बदले में नीचे एक रेजिस्टेंस यहां बिठाया, उसके बाद तार को यहां घुमाया, और ये एक रेजिस्टेंस लगाया, एक रेजिस्टेंस और लगाया, और ये यहां लगा दिया। और ऐसी बात है कि मैं यहां पे सेल लगाऊंगा, लेकिन मैं सेल के बारे में इतना नहीं बता रहा हूं। मान लीजिए ये 1 ओम है, मान लीजिए ये 2 ओम है, मान लीजिए ये 3 ओम है, मान लीजिए ये 4 ओम है, मान लीजिए ये 2 ओम है, और मान लीजिए ये 3 ओम है, और मान लेते हैं कि ये सेल 12 वोल्ट का है। ये आपका हो गया डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 1 इसकी जगह यहां बना रहा हूं, इसकी जगह यहां बना रहा हूं। आइए डायग्राम नंबर 2 लेता हूं आपके लिए। डायग्राम नंबर 2 अपनी कॉपी में बनाते रहिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि चल क्या रहा है, या चल क्या रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक रेजिस्टर हो गया ये, और एक रेजिस्टर हमने यहां लगा दिया ये, और यहां से एक तार हो गई ये, एक रेजिस्टर यहां लगा दिया, एक रेजिस्टर मैंने यहां लगा दिया, और एक रेजिस्टर मैंने यहां लगा दिया,
और ये मैंने सर्किट यहां कंप्लीट कर दिया, फिर एक रेजिस्टर यहां लगा दिया और ये मैंने अपना सेल कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए आपको समझ आना चाहिए, इसे मैंने मान लिया 2 ओम, इसे मैंने मान लिया 3 ओम, इसे मैंने मान लिया 3 ओम, इसे मान लिया मैंने 3 ओम, इसे मान लिया मैंने 5 ओम, इसे मान लिया 5 ओम, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट बी, यहां पे भी मैंने इस पॉइंट को बोला पॉइंट बी, और यहां पे मैंने बोला इस पॉइंट को पॉइंट ए। मान लेते हैं यहां जो बैटरी है या सेल है 10 वोल्ट का है, आपके सामने डायग्राम 1 है, आपके सामने डायग्राम 2 है, और आपको इन दोनों डायग्राम के अंदर टोटल रेजिस्टेंस, आपको इन दोनों डायग्राम के अंदर टोटल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। डायग्राम आपके सामने है, हर एक क्लास 10th का बच्चा देख रहा है, और क्वेश्चन यही है कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। बोर्ड पे 2 डायग्राम आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। मेरा आपको सजेशन है कि आप वीडियो को पॉज करो और दोनों डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओ और अटेम्प्ट करके देखो कि आपको क्या समझ आया, फिर उसके बाद आप मेरी मदद लेना। मैंने 2 डायग्राम बोर्ड पे बनाए हैं, ऐसे मैं और डायग्राम भी बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप करो, ये आपको समझ आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। आइए अब मेरी बारी, साफ पता चल रहा है, पहले आप खुद से कर लो उसके बाद मेरा तरीका देखो, मैं समझाने जा रहा हूं। देखो साफ पता चल रहा है, एंड टू एंड कनेक्शन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एंड टू एंड। तो एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2, इसको नाम देते हैं R3, इसको नाम देते हैं R4, इसको नाम देते हैं R5, और इसको नाम देते हैं R6। अब मैं बोलूंगा टीचर टीचर, क्या बोलूंगा टीचर टीचर, R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज का आंसर आया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 + 2, 2 एक 3, 3 और 3 6, तो ये आ गया 6 ओम। 6 ओम इस पूरे का आंसर आया, इस पूरे का आंसर आया 6 ओम। और R5 एंड R6 आल्सो, एंड R5 एंड R6 आर आल्सो इन सीरीज, R5 एंड R6 आर आल्सो इन सीरीज, देयरफॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R5 प्लस R6, यानी 2 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 5 ओम इस पूरे का आंसर 5 ओम आया। अब साफ पता चल रहा है, देखो जरा बोर्ड पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए। साफ पता चल रहा है कि 6 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, साफ पता चल रहा है कि 6 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल। भाई साफ पता चल रहा है, ये पूरे का आंसर, ये पूरा 6 ओम, ये पूरा 4 ओम, ये पूरा 5 ओम, ये पूरा 6 ओम, ये पूरा 4 ओम, ये पूरा 5 ओम, 6 ओम 4 ओम 5 ओम, आगे पीछे, तो दैट इज व्हाई दे आर इन पैरेलल। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम मेरे हिसाब से आना चाहिए 120। इसका एलसीएम आया 120, तो ये आया 1 × 30 प्लस 1 × 24, 5 × 10 और 25 हो जाए, ठीक है, प्लस 1 × 20, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 30 प्लस 24 प्लस 20 डिवाइड बाय 120, विच इज इक्वल टू 30 प्लस 20 इज 50, 50 प्लस 24 इज 64, 64 बटा 120, और वी कैन से दैट 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 64 बटा 120। पहले इतना देख लो बच्चों, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 अपॉन आरपी कम्स आउट टू बी 64 बटा 120। अगर 1 अपॉन आरपी कम्स आउट टू बी 64 बटा 120, तो देयरफॉर आरपी इज इक्वल टू 120 बटा 64, 232 जा 260 जा, 216 जा 230 जा, 28 जा 215 जा, साफ पता चल रहा है आपको, बातें समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चल क्या रहा है यहां पे। तो यहां पे हमने साफ साफ कर लिया 215 जा 24 जा, अब हमारे पास आ गया 24 जा, और 2 या 24 जा छोड़िए, यहां पे एक काम करते हैं, इसको 8 रहने देते हैं, इसको 15 रहने देते हैं, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्स आउट टू बी 15 बटा 8, 8 बन जा 8, 9 7 आ गया 70,
टोटल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 1.8 ओम। चेक कर लीजिए क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। अब आपने एक चीज नोटिस करी, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपने एक ओम लिया, दो ओम लिया, तीन ओम लिया, चार ओम लिया, दो ओम लिया, तीन ओम लिया, एक दो तीन चार पांच छह, छह रजिस्टर उठाए, लेकिन इतने सारे छह रजिस्टर उठाने के बाद भी उनका टोटल सम मात्र 1.8 आया, ओम आया। एक बार देख लीजिए, साफ पता चल रहा है इससे, ये चीज प्रूव हो गई दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज कम्स आउट टू बी लेस देन द इंडिविजुअल वैल्यू व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आपका ये न्यूमेरिकल आपने भी ऐसे ही किया है डियर स्टूडेंट, और आपका भी यही आंसर आया, तो समझिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। आइए इसके बगल में जो क्वेश्चन है, इसके बगल में जो क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन की ये वाली चीज यहां पे मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि ये आप कर चुके हैं और इसका आंसर जो आ रहा है वो यहां लिख रहा हूं, 1.8 ओम इज द फाइनल आंसर, दैट इज आरपी। आरपी कम्स आउट टू बी 1.8 ओम। आओ यहां पे देखो, इसको नाम देता हूं मैं R1, इसको नाम देता हूं R2, इसको नाम देता हूं R3, इसको नाम देता हूं R4, इसको नाम देता हूं R5, इसको नाम देता हूं R6। अब साफ पता चल रहा है कि दिस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, R3, R4 एंड R5 आर ऑल्सो इन पैरेलल, लेकिन इस पूरे का आंसर आपस में सीरीज में है। देखो ना, ये पूरा और ये पूरा इस अगल बगल, ये पूरा इस अगल बगल, तो ये पूरा का आंसर इस पूरे का आंसर इसके साथ और इसके साथ सीरीज में होगा। तो पहले हम इंडिविजुअली इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर तीनों को हम डायरेक्ट सीरीज में लेके ऐड करेंगे। अब 5 ओम और 5 ओम, तो यहां पर देखिए, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, तो हमारे पास आ गया 1/RP इज इक्वल टू 2/5, तो RP कम्स आउट टू बी 5.2, यानी इट कम्स आउट टू बी 2.5 ओम, इट कम्स आउट टू बी 2.5 ओम, यानी इस कॉम्बिनेशन का आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2.5 ओम। तो 2.5 ओम, अब बात करते इसकी, सुनते जाओ समझते जाओ। यहां पे इसको थोड़ा जगह बना देते हैं, भैया सेल तुम यहां आ जाओ, भैया तुम 10 वोल्ट के, वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यूज ही नहीं कर रहे, जब नौबत आएगी तब जरूर यूज करेंगे। 3 ओम प्लस 3 ओम कितने ओम, 6 ओम प्लस 3 ओम कितने ओम, 9 ओम। अबे सीरीज में थोड़ी है, पैरेलल में। हां यार, 1/RP इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/RP इज इक्वल टू 3/3, कैंसिल, तो RP कम्स आउट टू बी 1 ओम। देख लो जी, इस पूरे का आंसर कम्स आउट टू बी 1 ओम। ढूंढ लो क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है, आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्लास में क्या कराया जा रहा है। यहां पे दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, दूसरा न्यूमेरिकल चल रहा है, और ये दूसरा न्यूमेरिकल अगर आपको समझ आ गया तो भैया अब आप अच्छे खासे और न्यूमेरिकल्स अटेंड कर सकते हैं। मैंने 2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा दी है, इसके बाद मैं आपको और अभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा, लेकिन आपको साफ पता चल गया कि इसका आंसर 2.5 ओम, इसका आंसर 1 ओम, ये तो 2 ओम है। अब मैं साफ शब्दों में कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि 2.5 ओम कॉमा 1 ओम कॉमा 2 ओम आर इन सीरीज, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 2.5 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में 2 प्लस 1 3 3, 5.5 ओम इज द फाइनल आंसर। एक बार देख लीजिए, 2 बार घूर लीजिए, मन में आए कोई सवाल मचाइए पूरा कक्षा में बवाल। आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है बिटवीन ए एंड बी। आपके सामने टोटल रेजिस्टेंस है, देखिए यही क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। इसी क्वेश्चन में आपको ये चीजें कराई जा रही हैं कि फॉलोइंग सर्किट डायग्राम में क्या चीजें आपको बताई गई हैं, और 2 क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए गए हैं। आई होप समझ आया होगा, क्लियर हो गया।
और न्यूमेरिकल करें? बिल्कुल करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम अगले और न्यूमेरिकल को उठाते हैं और इसी के जैसे आपको और न्यूमेरिकल देते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो समझिए कि कॉन्सेप्ट के आप बादशाह बनने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और प्रैक्टिस कराता हूं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के मैंने आपको बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दिए, सीरीज एंड पैरेलल के बेसिक न्यूमेरिकल। अब मैं आपके साथ किताब में से कुछ न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा और किताब में से कुछ न्यूमेरिकल्स में जो मुझे पूछा जा रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखो जाते। क्वेश्चन कहता है फॉर द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। एक सर्किट डायग्राम है जो दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट करनी है तीन चीजें, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली चीज क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो टोटल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट करता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है टोटल करंट फ्रॉम, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी। एंड थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। मैं सबके डायग्राम बना देता हूं बोर्ड पे, उसके बाद अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये एक पॉइंट लिया गया है, यहां से एक तार निकली, यहां पे एक रजिस्टर है और यहां पे एक रजिस्टर है। इसको जो करंट सप्लाई करने वाली बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक बैटरी है, यहां पे एमिटर लगा रखा है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे एक की लगा रखी है क्वेश्चन में, और इसको जोड़ दिया, यहां पे जोड़ के ये कंप्लीट करा दिया। देख लीजिए, अब यहां पे क्वेश्चन ने कहा है कि इस पूरे सेल की या पूरी बैटरी की जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। भाई तीन सेल लगे ना, इसका मतलब दो दो वोल्ट का एक सेल है। भाई तीनों सेल सीरीज में लगे, देखो यहां पे एक सेल लेगा, दूसरा सेल लेगा, तीसरा सेल लेगा, तीनों का टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है। इसका मतलब दो वोल्ट का एक एक सेल रहा होगा, दो वोल्ट का इंडिविजुअल सेल रहा होगा। खैर हमें उतना डिटेल में नहीं जाना। ये क्वेश्चन के अनुसार 12 ओम है, ये क्वेश्चन के अनुसार 18 ओम है, और ये क्वेश्चन के अनुसार 30 ओम है, और ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। जरा एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। मेरी आपको सजेशन है कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ आया, 1% मान लेते कि आपको नहीं समझ आया, तो भैया हम बैठे हैं ना आपकी मदद करने के लिए। तो आइए सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का टोटल रेजिस्टेंस, एक काम करते हैं इसको बोलते हैं R1, एक काम करते हैं इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। साफ पता चल रहा है सॉल्यूशन दैट R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल विद ईच अदर। तो देयरफॉर 1/ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1। व्हाट इज 1/R1? 1/12 + 1/18 + 1/30। तो 1/ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, हमारे पास 12 हमारे पास है, 18 हमारे पास है और 30 हमारे पास है, तो इसका एलसीएम काफी बड़ा आने वाला है। तो मैं सोच रहा हूं कि इनका, चलो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लेके देखते क्या आएगा। 12 18 और 30 का एलसीएम ले रहे हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 2 15 जा, 3 2 जा 3 3 जा 3 5 जा, और हमारे पास आ गया 2 1 जा और 3 जा और 5 जा, और 3 1 जा 1 जा और 5 जा, और 5 1 जा 1 जा और 1 जा, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36 और 36 into 5, तो 36 into 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 180, तो 180 LCM आ गया, 180 LCM आ गया। शुरू करो सिलसिला भाई सिलसिला, 180 हमारे पास आ चुका है और हमारे पास 180 बटा 12, 2 6 जा 12 और 12 1 जा 12 और 15, 12 into 15, ये आ गया 1 into 15 plus 1 into 10
प्लस 1 × 6। तो आप देखिए मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, 1/resistance इन पैरेलल इज इक्वल टू 15 + 10 + 6/180। भाई क्लास 10th के स्टूडेंट हो, थोड़ा दिमाग लगाते आप लोग। 1/resistance इन पैरेलल इज इक्वल टू 15 और 10 25 25 और 6 31, तो 31/180। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 180/31। कितना अच्छा होगा ना कि काश ये 30 होता, बट कोई बात नहीं, क्योंकि ये 180 है तो 180 को 31 से डिवाइड करेंगे। अब 31 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 × 3 = 186 आता है, इसे 31 को 5 से करेंगे, 5 × 5 = 5, 5 = 15, तो 31 × 5 = 155। यहां 10 लगाया, यहां 7 लगाया, यहां 2 लगाया, यहां 5 आया, यहां डेसिमल आया और यहां 250 आया, तो हमारे पास आ गया 31 × 7 = 217, 7 × 7 = 21, 31 × 8 = 8 × 8 = 248, तो आंसर कम्स आउट टू बी 5.8 ओम इज द फाइनल आंसर। 5.8 ओम इज द फाइनल आंसर। देख लीजिए जो बच्चे न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ कर रहे हैं, जो बच्चे न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ कर रहे हैं उन्हें समझ आना चाहिए कि भैया ये आदमी करा क्या रहा है, उन्हें पता चलना चाहिए कि भैया ये आदमी प्रैक्टिस क्या करा रहा है। न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, 5.8 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं टोटल करंट की, आओ बात करते हैं टोटल करंट की। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कहता है टू फाइंड, क्वेश्चन टू फाइंड आई नेट। अब एक बार बताओ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V की जगह पुट करा मैंने नेट वोल्टेज, I की जगह पुट करा मैंने नेट करंट, और R की जगह पुट करा मैंने नेट रेजिस्टेंस। व्हाट इज द नेट वोल्टेज? नेट वोल्टेज इज 6 वोल्ट। व्हाट इज द नेट करंट? अभी वही तो निकालना है। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस? नेट रेजिस्टेंस इज 5.8 ओम। तो हम यहां पे साफ साफ तो मैं कह सकते हैं 6/5.8 इज इक्वल टू आई नेट, और वी कैन से दैट 60/58 इज द वैल्यू ऑफ आई नेट। एक बार देख लो, दो बार घूर लो, मन में आए कोई सवाल मचा दो पूरा बवाल। आई नेट इज इक्वल टू 60/58, क्योंकि आई नेट इज 60/58। तो टीचर, आई नेट अगर 60/58 है तो भैया 60 को 58 से अगर डिवाइड करेंगे तो 58 बन जा 58, 2 आया, डेसिमल लगाया, फिर 20 आया, फिर से 0 लगाया, फिर 0 आया। अब हम कुछ और नंबर लेंगे, यहां पे 58 को हम यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32, 4, 5, 22, 23 आएगा। 58 को अगर 3 से करते हैं तो 3, 8 = 24, 58, 3 ये आ गया, 3 = 58, 3 = 174 कुछ आता, तो 1.03। तो हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आया, दैट कम्स आउट टू बी नेट करंट कम्स आउट टू बी 1.03 एम्पियर, हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख लो अब आप इसके जैसे इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस उठा सकते हो और उनकी प्रैक्टिस बखूबी कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस बखूबी कर सकते हो। आओ थर्ड पार्ट आते हैं। उसने कहा है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। थ्रू ईच रेजिस्टर का मतलब हुआ कि यहां पे अगर यहां से करंट आया आई, तो यहां पे करंट गया आई वन, यहां पे करंट गया आई टू और यहां पे करंट गया आई थ्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पता लगाओ, किसकी वैल्यू पता लगाओ? क्वेश्चन कह रहा है आई वन पता लगाओ, क्वेश्चन कह रहा है भैया आई टू पता लगाओ, और क्वेश्चन कह रहा है भैया आई थ्री पता लगाओ। कैसे पता लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा, कैसे पता लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां जगह बना रहा हूं और यहां जगह बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस ईच रेजिस्टर, मतलब यहां पे जो करंट गया आई वन, तो यहां पे जो वोल्टेज होगी, वो ही वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो भैया पैरेलल में टोटल वोल्टेज हमेशा सेम रहती है, आपको पता है जो वोल्टेज सेल की होगी वही वोल्टेज इन सब की होगी, क्योंकि दो ही तो टर्मिनल है। ये वाला रेजिस्टर कहता है मेरा भी टर्मिनल ए बी, ये वाला रेजिस्टर कहता है भाई मेरा भी टर्मिनल ए बी,
ये वाला जैसे कहता है भाई मेरा भी टर्मिनल एबी और एबी ये सेकेंडरी कहता है मेरा भी यहां से एबी और मेरा भी यहां से बी, तो जो वोल्टेज इसकी वही वोल्टेज इसकी इसकी और इसकी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है करंट बट जाता है, सीरीज में करंट सेम रहता है वोल्टेज बट जाती है, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो पहले के अक्रॉस सबसे पहले अक्रॉस आर वन, तो अक्रॉस आर वन में उसकी वोल्टेज वी इज इक्वल टू उसका करंट आई वन इंटू उसका रेजिस्टेंस आर वन, उसकी वोल्टेज कितनी 6 वोल्ट, उसका करंट कितना नहीं पता, उसका रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 12 ओम, तो I1 comes out to be 6/12, 6 बन जा 6 टू जा, यानी it comes out to be आपका 0.5 एम्पीयर, तो I1 comes out to be 0.5 एम्पीयर। अब मुझे बताओ अगर मैं I1 निकाल सकता हूं तो क्या आप I2 नहीं निकाल सकते, क्या आप I3 नहीं निकाल सकते, जब मैंने I1 निकाल लिया तो ऐसे ही I2 निकलेगा। आओ यहां पर करके दिखा रहा हूं, Applying Ohm's law, applying Ohm's law, applying Ohm's law across R2, applying Ohm's law across R2, V is equal to I2 into R2, V कितना 6, I2 कितना, अरे हमें क्या पता, R2 कितना, R2 हमारे पास 18, तो I2 is equal to 6/18, 6 बन जा, 6 3 जा, तो I2 comes out to be 1/3 ampere, I2 comes out to be 1/3 ampere, 1/3 ampere को अगर मैं further solve करता हूं, तो ये जाएगा करीब करीब तो 0.3 एम्पीयर, 0.3 एम्पीयर, देख लो घूर लो मन में कोई सवाल मचा दो आधा पूरा बवाल, देख लो घूर लो मन में कोई सवाल मचा दो आधा पूरा बवाल, आपके मन में उठेंगे जितने भी सवाल उन सब का मिलना चाहिए आपको जवाब, होना चाहिए आपका बुरा नहीं बढ़िया हाल, बढ़िया हाल। बातें समझ आ रही है, I2 निकाल लिया, I1 निकाल लिया, अब बताओ क्या I3 नहीं निकाल सकता, सेम तरीके से, सेम तरीके से आओ जी, सेम तरीके से, यहां जगह है छोटी सी, यहां जगह आते हैं, यहां लिखा मैंने अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस R3, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस R3, R3 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाऊंगा तो V is equal to I into R3, तो V is equal to I into R3, I तो मुझे पता नहीं है, I3 और R3 कितना है हमारे पास, I3 हमारे पास है 30, तो I3 comes out to be, I3 comes out to be V by 30, तो I3 comes out to be V कितना 6/30, यानी that comes out to be 1/5, और 1/5 comes out to be, यानी this comes out to be 0.2, this comes out to be 0.2, देख लीजिए, घूर लीजिए, घूर लीजिए, मन में कोई सवाल पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, 0.5, 0.2 और 0.3, अगर आप 0.5 और 0.2 ऐड करते हो तो आप नोटिस करोगे कि इसे इसे और इसे ऐड करके 0.5 प्लस 0.2 बिकम 0.7, 0.7 प्लस 0.3 बिकम्स 1 व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.0 एम्पीयर, और यही तो हमारा टोटल करंट था। इसका मतलब कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो 100/100% बिल्कुल सही है। क्लास 10th के प्यारे बच्चों एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, ये एक अपने आप में अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसी तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं और आई होप कि अब आप जरूर कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए दो चार क्वेश्चन और देते हैं, ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपका होमवर्क है, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे पूछिए, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये आपका होमवर्क है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को करिएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चंस है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको मैं यहां क्वेश्चंस के लिए जगह बना देता हूं, ये क्वेश्चंस, तो कोशिश करते हैं कि आपको टोटल पहला और दूसरा और तीसरा तीन क्वेश्चन आपको दिए जाए, आपको तीन क्वेश्चन दिए जाए, यहां पे आपका पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, यहां पे आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैं दूंगा, और यहां पे आपका तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और अपनी कॉपी में ये तीन क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हो जाइए जो मैं आपको देने हो जा रहा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है फॉर द सर्किट शोन बिलो, यानी लिख रहा हूं मैं फॉर द सर्किट शोन बिलो,
फॉर द सर्किट शोन बिलो, एक सर्किट बनाऊंगा मैं फॉर द सर्किट शोन बिलो, कैलकुलेट, कैलकुलेट सबसे पहला पार्ट, कैलकुलेट सबसे पहला पार्ट टोटल, टोटल वैल्यू ऑफ करंट, टोटल वैल्यू ऑफ करंट, टोटल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टर, टोटल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टर। और दूसरा पार्ट जो मैं दे रहा हूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, दूसरा पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये होमवर्क है आपके लिए बच्चों, आप जरूर करिएगा इसे होमवर्क को। आपके लिए मैं डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, यहां पे हमारे पास ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट किया, कनेक्ट किया, कनेक्ट किया, कनेक्ट किया और ये सेल से कनेक्ट करके यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और ये कनेक्ट करके 6 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का पहला रेजिस्टेंस, 10 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस और 30 ओम का तीसरा रेजिस्टेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पहला क्वेश्चन आपको करना है, पहला क्वेश्चन आपको करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको दिया है। आइए बात करता हूं सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन में कहता है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो कैलकुलेट, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो कैलकुलेट। ये पॉइंट ए है, ये तार ऐसे गई, ये ऐसे आया और ये ऐसे गया और ये पॉइंट हमारे पास एफ है। फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस ऐसे गया, ये रेजिस्टेंस ऐसे गया और ये रेजिस्टेंस ऐसे गया और ये इधर गया। ये हमारे पास पॉइंट डी है, ये हमारे पास पॉइंट ई है और ये हमारे पास पॉइंट सी है और ये हमारे पास पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट एफ है। यहां पे जो रेजिस्टेंस है आपका वो 3 ओम है और यहां पे जो रेजिस्टेंस आपका वो भी 3 ओम है, यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है और यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, यहां पे 2 ओम है और यहां पे 3 ओम है। क्वेश्चन ने कहा क्या, पहला क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन बी, बिटवीन पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ई। और दूसरा पार्ट ने कहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एफ, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एफ। मैं हट जाता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे, आपके सामने मैं बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिख चुका हूं। इन क्वेश्चंस की आप जमकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब मैं लिखने जा रहा हूं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी आपने प्रैक्टिस करना है। ये एक तरह से आप लोगों के लिए होमवर्क है और जितना अच्छे से आप होमवर्क करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है द टोटल रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शोन बिलो, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शोन बिलो इज 0.5 ओम। कैलकुलेट, क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर थ्री। देखिए भाई, ये हमारे सामने ये पहला रेजिस्टेंस, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस और ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार 2 ओम है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार 2 ओम है और ये है हमारा आर थ्री, ये हमारा पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट ए और ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख लिए क्योंकि मेरे पास जगह बच रही है, तो मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन और दे दो, एक क्वेश्चन और दे दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे दो। ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड बी द रीडिंग, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर एंड वोल्ट मीटर इन द गिवन सर्किट, गिवन सर्किट में एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। ये हमारे सामने एक सेल, दूसरा सेल और ये तार गई यहां पे
ये एक रेजिस्टेंस लगाया, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, ये तीसरा रेजिस्टेंस लगाया और ये एमीटर लगाया और ये तार कंप्लीट कर दी। यहां पे ये सेल दे रखा है 3 वोल्ट का और ये पॉइंट है हमारे पास ए और ये पॉइंट है हमारे पास बी और ए और बी के बीच में है वोल्ट मीटर। ये दे रखा है 1 ओम का, ये दे रखा है 3 ओम का और ये दे रखा है 2 ओम का। और क्वेश्चन ने कहा है कि एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग बताइए। देख लीजिए क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके सामने मैंने कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस का आपको होमवर्क दे दिया है। इस वीडियो लेक्चर में 4 क्वेश्चंस का ये होमवर्क है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन करने में आ जाए कभी डाउट, तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हैं, अपने आंसर आप डाउट के रूप में पूछ सकते हैं मेरे इस नंबर पे 9911381716 9911381716 मेरे इस नंबर पे आप अपने डाउट्स पूछें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट आता है तो, और अगर नहीं आता है तो समझो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मैंने इस पूरे वीडियो लेक्चर में रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराकर उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराकर आपके लिए कॉन्सेप्ट पक्का कर दिया है। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर अगर कुछ बचा है तो वो है हमारा आखिरी टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही आपने सुना, ये था हमारा 5वां वीडियो लेक्चर। मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा हमारा 6th वीडियो लेक्चर जिसमें मैं शुरू करूंगा हमारे अगले टॉपिक को जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, अपना समय वेस्ट मत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप चाहे पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गांव या किसी भी कस्बे में बैठे हो और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं अपनी तरफ से आपको ये वीडियोस दे रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे द्वारा स्टडी मटेरियल आपके भरपूर काम आ सकता है। जो भी नोट्स, जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी चीजें आपको चाहिए, मैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे स्टूडेंट्स को डिलीवर करता हूं। आप मेरे नंबर पे उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर आपको और क्या करना है। बच्चों आपको एक छोटा सा काम और करना है और वो काम है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, अपने साथियों के साथ, स्कूलमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।